बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं बना रही हूँ चिकन सब्जी, जिसके लिए मैंने 3 होल पूरी फुल चिकन ली हैं। जो स्किन वाली चिकन होती है वो ली हैं, और जो जो मसाला चाहिए वो ये सब आप देख लें। सब्जी आपको पता है कि स्किन वाली चिकन की ही बनती है, तो 3 मैंने चिकन ली हैं। और सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। सफ़ेद ज़ीरा है ये 3 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है नमक। 3 ही टेबलस्पून मैंने साबुत जो धनिया होता है वो लिया है। हरी मिर्चें हैं 15-20 अदद, और अजवाइन है 2 चम्मच। 2 ही चम्मच कुटी मिर्चें हैं, आधी प्याली सिरका है, और लेमन है 2 बड़े। और जूसर ब्लेंडर में मैं डाल दूंगी तमाम हरी मिर्चें, ज़ीरा, अजवाइन, और ये सिरका है आधी प्याली, लेमन है 2 लिए थे मैंने, बड़े साइज़ के थे लेमन जूस। और ये मैंने सूखा धनिया डाल दिया है साबुत, इनको मैं पीस लूँगी सबको अच्छी तरीके से। ये जी रात का टाइम है, और मैं इसको चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रख दूँगी। अच्छी तरीके से हो गया। अब ये लहसुन पाउडर है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, 2.5 चम्मच मैंने, 2.5 से 3 चम्मच है ये मेरे पास लहसुन पाउडर। और टाटरी है 1 चम्मच, और नमक है ये मेरे पास 2 टेबलस्पून भर के। और कुटी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली हैं, 2 टेबलस्पून जो है वो कुटी मिर्चें हैं। हरी मिर्च मेरे पास आपने देखी थी, मोटी वाली थी, वो तेज़ नहीं होती, तो मैंने 7 कुटी मिर्चें डाली हैं। अच्छे से मसाले को जब मैंने मिक्स कर लिया, अब चिकन को मैं डाल के सारा मसाला अच्छी तरीके से मैं लगाऊंगी चिकन को, ऊपर की साइड भी लगाऊंगी और अंदर की साइड भी लगाऊंगी। ये मैंने जितना भी मसाला बनाया है 3 चिकन के हिसाब से बनाया है। अगर आपने सिर्फ 1 बनानी है तो आप क्वांटिटी जो है वो कम कर देना। देखिए अच्छी तरीके से इसमें मसाला मैंने लगा दिए, बिल्कुल ठीक मसाला बना था 3 चिकन के हिसाब से। अच्छी तरीके से आप लगाइएगा, आप देखिएगा स्किन ऊपर हो जाती है, स्किन ऊपर करके भी अंदर हाथ की मदद से अच्छी तरीके से लगाएं। और क्लिंग रैप लगा के मैं इसे रख दूंगी ओवरनाइट। ये देखें जी, ये था अगला दिन, और तकरीबन दोपहर का टाइम था, मैंने ये चिकन जो है निकाल ली थी फ्रिज से। अच्छी तरीके से इसमें मसाला लग चुका था। वैसे तो आप 4 से 5 घंटे के लिए भी लगाएं तो बेहतर है, लेकिन ओवरनाइट लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये जी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। और चिकन को जो है वो मैं सीख पे लगा रही हूँ। ये हमने अगले दिन रात डिनर में बनाया था, तो साथ मैंने मटर पुलाव बनाया था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी रेसिपी भी दूंगी। और सब्जी के ऊपर जो मसाला लगाते हैं वो भी मैंने बनाया है, वो भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी पुलाव वाली उसमें होगी, आप ज़रूर देखिएगा। वैसे अगर ओवरनाइट मसाला लगा हो तो उस मसाले की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना अच्छा बनता है, टेस्ट इसमें चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने खाना हो तो बहुत अच्छा ड्राई मसाला भी बनता है इसका। और मैं ये जी लेग्स बांध दूंगी इसकी। ये बाज़ार से सूतर का एक धागा मिलता है, तो वो था मेरे पास, मैंने डबल करके उसको
और लेग्स में अच्छी तरीके से जो है इसकी बांध रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की थी इसमें, कोयले वगैरह उन्होंने ही जलाए थे, उन्होंने ही इसका काफ़ी काम उन्होंने मेरे साथ करवाया था। देखें अच्छे से मज़बूती से जो है इसको हमने बांधना है, क्योंकि आपको पता है सज्जी को जब हम खड़ी कोयलों में सेक खड़ी करेंगे तो अच्छा खासा वज़न हो जाता है। सज्जी के लिए जो सीख आती है वो मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिल नहीं सकी। तो जो आम जो सीख होती है उसको मैंने आपस में जॉइंट करके तार के साथ बांध के, और इस तरह दो सीख को बांध के मैंने तो थोड़ा बड़ा कर लिया था। ये साइड पे अब हम छुरी की मदद से थोड़ा सा कट लगाएंगे और ये जो विंग्स है ये इसके अंदर डाल देंगे। दोनों जो विंग्स हैं वो हम इसी तरह दोनों तरफ कट लगाएंगे थोड़ा सा और अंदर डाल देंगे। बहुत अच्छी बनती हैं घर में बनाने से। अगर आपके पास आप कोयलों पे नहीं बना सकते तो आप घर में पतीली में भी बना सकते हैं। देखें जी जो तीनों चिकन थी वो हम लोगों ने अच्छी तरीके से लगा लिया सीख पे। और यहाँ जी कोयले बिल्कुल तैयार थे। देखें इस तरह मेरे हस्बैंड ने जो है वो ये सीखें लगा दी थी। तकरीबन ये 2.5 से 3 घंटे लगे थे इनको फुल कुक होने में, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस जो है वो कम थी तो इसे फिर थोड़ा टाइम लगा था पकने में। हल्की हल्की, आपको पता है सज्जी बिल्कुल हल्की हल्की फ्लेम पे पकती है, हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर से तो पक जाती है पर अंदर से वो सारी कच्ची होती है। और ये देखें मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ कि किस तरह ये थोड़ी थोड़ी इसको हीट लगती जा रही है और ये पकती जा रही है। कोयले सज्जी का ये होता है कि कोयले बहुत करीब नहीं करने, वरना सज्जी बहुत जल्दी जलती है। तो सज्जी बनाने का तरीका यही है कि कोयले से काफ़ी दूर होती है ये चिकन, कि आराम आराम से इसे हीट मिले और ये पकती है। देखें काफ़ी हद तक ये पक चुकी थी, अब ऊपर से ये फुल डन है लेकिन अंदर से फिर भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैं चिकन को बीच में से काट लूँगी और कटिंग करूँगी। ये देखिए अब मैंने बीच में से कटिंग किया है और सीखें जो हैं वो मैंने लगा के सीखों पे जो अंदर वाला साइड होता है वो मैं अब अच्छे से पका लूँगी। जब आप सब्जी खाने बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कि फुल तो पकी हुई होती है, लेकिन जब वो सर्व करने के लिए देते हैं तो बीच में से कटिंग करके और दोबारा उसे कोयलों पे बनाते हैं। ये देखिए मसाला, ये मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी दूंगी इसकी। मेरी रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।